Children, today I am going to start the new exercise, and before starting the new exercise I am going to tell you that what is the forming numbers, कैसे हम form करते हैं number को, how to form a number, ठीक है, क्या है ये, what is forming numbers and how to form a number. Here, जैसे कि आप सबने अभी last video में देखा होगा, मैंने आपको link दिया था, उस video में आपने देखा होगा कि कैसे हम digits को repeat किए बिना, क्या लिखा है यहाँ पर, विदाउट रिपीटेशन. विदाउट रिपीटेशन का मतलब होता है कि डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हुआ हो. सपोज आपके पास ये कुछ डिजिट्स हैं, ठीक है, इनके इनसे आपको, ये क्या है आपकी डिजिट्स हैं, आपको इन डिजिट से क्या करना है, एक नंबर को फॉर्म करना है. कैसा नंबर फॉर्म करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे. तो मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करने के लिए हम इन डिजिट्स को क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. क्या, किस में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर. जब हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं तो हम नंबर डिजिट्स को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं तब हम डिजिट्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए डिसेंडिंग में क्या करते हैं, बड़े से छोटा, एंड असेंडिंग में क्या करते हैं, छोटे से बड़ा, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका कि आपको इस नंबर को बिना रिपीट किए, फर्स्टली हेडिंग क्या है आपकी, विदाउट रिपीटेशन, किसी भी डिजिट को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है. जैसे कि आपने ये नंबर फॉर्म किया 9875321, अब आप देखो क्या इस क्या इनमें से कोई भी नंबर दो बार आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है, 3 है, 2 है, 1 है. क्या हमने 5 को दो बार लिखा है, नहीं, 7 को दो बार लिखा है, नहीं, तो हमने कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया है. तो इसका मतलब है कि हमने विदाउट रिपीटेशन डिजिट्स को सेट किया है, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका, आपकी नेक्स्ट हेडिंग है विद रिपीटेशन. क्या है, विद रिपीटेशन. तो अब हम इन दोनों डिजिट्स को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन ने हमें रिपीट करने को कहा है या नहीं कहा है, ठीक है ना. इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विदाउट रिपीटेशन करके हमें आंसर निकालना है या रिपीट करके आंसर निकालना है. तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, अब हम वो देखेंगे. फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 2, 7, 5 and 8. अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पे कितने डिजिट है, 2, 7, 5 and 8, 4 डिजिट्स है ना, और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 7 डिजिट का. तो हमको कितनी डिजिट दी है, 4 डिजिट दी है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या फॉर्म करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर के केस में क्या होता है बच्चों, हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. किस में अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2, 7, 5, 8. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, अब आप देख सकते हो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 2, 7, 5 and 8 में सबसे बड़ा 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, एंड उसके बाद 2 है आपका. इतना क्लियर है. अब यहाँ पर कितनी डिजिट्स का नंबर बनाना है, 7, और ये कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, ओनली 4 डिजिट्स है, राइट. तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास 3 डिजिट्स कम है, और 3 डिजिट्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, डिजिट्स को रिपीट करते हैं. रिपीट कैसे करते हैं, जो हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट होती है, जो सबसे पहली लिखी जाती है, हम अभी ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना. तो इस कंडीशन में जो सबसे पहले वाली डिजिट होती है उसको हम कंप्लीट करते हैं और 7 डिजिट का नंबर बनाते हैं, उसको हम ऐसे रिपीट करते हैं. और क्या करते हैं, देखो अब 7 डिजिट हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये क्या है आपका, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का नंबर है, यही आपका आंसर है, ठीक है. ये देख सकते हो आप, यही नंबर आ रहा है ना. सेम अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करने की. तो स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करने के केस में क्या करते हैं, आपको क्या करना है, डिजिट आपकी क्या है, डिजिट आपकी वही है, सेम है. डिजिट्स क्या है, 2, 7, 5 and 8. तो हम यहाँ लिख लेते हैं, डिजिट आपकी है 2, 7, 5 and 8. ओके, 4 डिजिट्स हैं और हमको बनाना है कितना, 7 डिजिट का नंबर बनाना है. तो 7 डिजिट का नंबर बनाना है, इनकी हेल्प से नंबर कैसा बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है. तो स्मॉलेस्ट के केस में हम डिजिट्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, 2, 5, 7, 8, ये 4 डिजिट का नंबर हो गया.
हमको बनाना है 7 डिजिट का, मतलब कि 3 डिजिट्स अभी हमको और चाहिए, तो 3 डिजिट्स को और लाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला नंबर है इसी को रिपीट कर देंगे 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर? देख लो आप, ये 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 डिजिट्स तो लिख ली, जितनी डिजिट कम है, हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना था ना, तो 4 तो आ ही चुकी है, बची कितनी? 3 डिजिट्स। लेफ्ट कितनी है? 3 डिजिट। तो हम 3 2 और लगा देंगे, ठीक है। सपोज ये 3 डिजिट्स होती, यहाँ पर कितनी होती? 3 डिजिट्स। यहाँ पर 4 दी हुई थी ना, यहाँ पर अगर 3 होती तो हम क्या करते, तो हम यहाँ पर 3 की बजाय हम 2 को 4 टाइम्स रिपीट करते, ठीक है ना। तो हम क्या करते, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हम ये नंबर्स को रिपीट करते हैं। अगर हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना है और हमारे पास 3 डिजिट कम है, तो हम 3 2 लगाएंगे। अगर हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है और हमारे पास 2 डिजिट्स कम हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट करेंगे आगे, वो हम 2 बार करेंगे। इतना सबको क्लियर हो रहा है ना?